आज रिंकू के ढाबे में ब्रेड पोहा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्दी है ब्रेड पोहा ब्रेकफास्ट। जब भी कभी भूख लगे तो आप ये शाम के टाइम या सुबह में नाश्ता ज़रूर बना सकते हैं। आइए फ्रेंड, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा उबला हुआ आलू ली हूँ, इसको हल्का लाल होने तक फ्राई करूँगी। ये लाल हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। पहले निकाल लेते हैं। मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, मेरी फेवरेट कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, साथ में कच्ची मूंगफली, ताकि इसमें थोड़ा फ्राई हो जाए। आप छोटी छोटी मिर्च काट सकते हैं, मैं लंबी से काटी हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फ्राई मिर्च खाने में। और शिमला मिर्च लंबे लंबे काट के, गाजर है तो गाजर भी डाल सकते हैं, मटर, थोड़ी सी प्याज है वो डाल रही हूँ। इसे अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। मैंने ब्रेड को इस तरीके से छोटे छोटे पीस काट ली हूँ। आप हल्का इसे फ्राई भी कर सकते हो, मतलब हम इसमें थोड़ी सी मसाले डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, साथ में थोड़ी सी आमचूर, साथ में ये रेड चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम प्याज को ज़्यादा नहीं जलाएंगे। अब ये हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया। अब हम इसमें ब्रेड को ऐड करेंगे। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस पूरी कम कर देंगे, स्लो उसका। इसे अब अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। फ्राई किए थे ना आलू, उसे भी डालेंगे। और कुछ हरी प्याज है, वो जो पिस्ते स्प्रिंग ऑनियन बोलते हैं ना, वो ऑप्शनल है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम 5 से 10 मिनट तक ढककर इसको गैस पे छोड़ देंगे, ताकि जो ब्रेड है ना थोड़ा कुरकुरापन हो जाएगा। ये हमारा ब्रेड पोहा तैयार, अब हम इसे सर्व कर लें। आप तो कैसी लगी ये आज की ब्रेड पोहा की रेसिपी? अच्छी लगी ना फ्रेंड? तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए नए हो मेरे चैनल पर तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे तो मेरे पेज को जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।